नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। एक लंबे इंतजार के बाद भारत की जमीन पर दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल उतर चुके हैं, जिनकी शक्ति को देखकर दुश्मन देश घबराए हुए हैं, क्योंकि इन्हें उसी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा जहां आतंकी देश पाकिस्तान और धोखेबाज चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं। मगर इन्हें हासिल करने से पहले मोदी सरकार को भीषण राजनीतिक घमासान के दौर से गुजरना पड़ा है। कांग्रेस की ओर से इस विमान की डील पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई तरह के सवाल उठाए गए। संसद के भीतर विपक्ष के नारे हंगामे और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी दाव पेश से लेकर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान चौकीदार चोर है कि नारों के साथ कांग्रेस ने इस मुद्दा बनाते हुए मोदी सरकार को खूब घेरा। मगर हुआ क्या, कांग्रेस का यह मुद्दा खुद पर ही भारी पड़ गया। पहले तो सीलबंद लिफाफे में सारे दस्तावेजों को देखने के बाद सौदे से संतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीबीआई जांच की जरूरत से इंकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके गम से कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी भी नहीं उभर पाए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अब जब 5 राफेल विमानों ने भारत की जमीन पर लैंडिंग की है, जिस पर हर भारतवासी गदगद हो रहा है, तब भी कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं। राफेल को लेकर कांग्रेस के नेताओं में कितनी बौखलाहट है, इस बात का अंदाजा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट से लगाया जा सकता है। उन्होंने राफेल डील की कीमत पूछने के चक्कर में लगातार कई ऐसे ट्वीट किए, जिसके चलते वो लोगों के निशाने पर आ गई। उनके ट्वीट ये साफ करते हैं कि उनकी भी याद्यास्त राहुल गांधी की तरह ही कमजोर पड़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में लिखा कि एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 740 रुपए तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दें। पीएम मोदी से राफेल की कीमत पूछने के चक्कर में दिग्विजय सिंह ठीक राहुल गांधी की तरह ही बड़ी गलती कर बैठे, क्योंकि राहुल गांधी ने तो एक राफेल की कीमत 526 रुपए बताई थी, मगर गुरु तो चेले से दो कदम आगे ही निकल गए, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक राफेल की कीमत 746 रुपए बता रहे हैं। शायद दिग्विजय सिंह ये भूल गए हैं कि इतने रुपए का तो बच्चों का उड़ाने वाला प्लेन भी नहीं आता है, वो भी इससे ज्यादा ही कीमत में होता है। हो सकता है उनकी उम्र के हिसाब से याददाश्त कमजोर हो गई हो। हालांकि जब सोशल मीडिया यूजर्स ने दिग्विजय सिंह को लपेटना शुरू किया तो उन्होंने तुरंत एक और ट्वीट किया, जिसमें वो गलती के लिए क्षमा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया यूजर दिग्विजय सिंह के ट्वीट के मजे ले रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि 520 रुपए, 526 रुपए, 540 रुपए और 740 रुपए, आज दिग्गी राजा ने 740 का नया आंकड़ा पेश कर दिया है। एक ने तो दिग्गी राजा को राफेल का ऑर्डर ही दे दिया। उन्होंने लिखा कि भैया हमें भी 5 राफेल भिजवा दो, 3730 ट्रांसफर कर दूंगा। हालांकि एक ने तो तंज कसते हुए दिग्विजय सिंह की बात को सही ठहराने के लिए सबूत भी पेश कर दिए। जो दाम राफेल के नेताजी ने बताए हैं, उसी दाम में राफेल तो मिल रहा है, मगर वो बच्चों का खिलौना है। ये राफेल कहां मिलेगा, इस जानकारी को उन्होंने अपने ट्वीट में साझा किया है। एक ने लिखा कि आपके मन में उठी शंका कि राफेल में दलाली खाई गई है, क्योंकि इससे पूर्व में आप लोगों ने सरकार चलाई तो आप सब का यही सिस्टम रहा, हर सौदे में दलाली खाने का वैसा ही आपको सब नजर आ रहा है। सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, ऐसे ही थोड़ा कहते हैं। तो इस तरह से लोगों ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर तंज कसते हुए आईना दिखाया। चलिए अब आपको राहुल गांधी के राफेल गणित से रूबरू कराते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राफेल हवाई जहाज 700 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज खरीदा। एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 540 करोड़ रुपए दिया था, 520 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए यूपीए ने 526 रुपए का एक हवाई जहाज खरीदा। तो देखा आपने, राहुल गांधी को राफेल की कीमत को लेकर किस तरह से कंफ्यूजन रहा है। वैसे राफेल ही नहीं बल्कि राहुल गांधी को लगभग हर चीज में कंफ्यूजन रहता है। अब ये विषय अलग है कि राहुल गांधी ये सब जानबूझकर करते हैं या फिर वो ऐसा किसी के कहने पर करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबर को पाने के लिए देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार।